अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर एक रिट आज लगी हुई है, कोई डर नहीं है उसे मरने में, उसे कोई डर नहीं। उसने इतना इंतजार भी नहीं किया जबकि नोटिसेस इश्यू हो चुके हैं, सारे लोग पार्टी बनाए जा चुके हैं। जब हम भी ये सोचकर सब्र कर लेते हैं जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहें कि हम असहाय हैं और अपना मुकदमा जनता की अदालत में रख रहे हैं, तो हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट से छूटी है। अगर ये अधिकारी लोग हाई कोर्ट की अवमानना करते हैं, सिवाय हम मूक दर्शक के क्या कर सकते हैं। हिस्सेदार हुए होंगे कुछ चीजों के, घुटने टेक दिए। ये मौका जब 1.5 महीना चुनाव होने में रह गया है, पोलिंग, क्या किसी भी उत्तर प्रदेश में कहीं भी ऐसी मिसाल है इस तरह की? ऐसे मौकों पर तो जिला प्रशासन चीजों को टालता है कि नहीं भाई, सब कोई डिस्प्यूट हो गया, हंगामा हो गया तो चुनाव प्रभावित होगा, इलेक्शन कमीशन को हम क्या जवाब देंगे, सरकार को क्या जवाब देंगे। तो ऐसे मामलात को ये कोई किसी को फांसी के तख्ते से बचाना ये चढ़ाना नहीं था, ये सिविल डिस्प्यूट है, इसका अपना एक प्रोसीजर है। लेकिन आने के फौरन बाद जिलाधिकारी साहब ने फौरन अपनी मर्जी का एडीएम लेकर आए, जो आया था उसे एक दिन के अंदर हटा दिया, अपनी मर्जी का एसडीएम लेकर आए, 3 घंटे के अंदर एसडीएम हटा दिया, 2 घंटे के अंदर सिटी मजिस्ट्रेट हटा दिया, डीएम, एडीएम, एसडीएम, सदर, सिटी मजिस्ट्रेट, और 2 दिन के अंदर आकर साहब उन्होंने तहलका मचा दिया। स्कूल चल रहा था सर उस दौरान जब ये प्रशासन, हाँ, स्कूल बच्चों का स्कूल सबको निकाल के बाहर, कितना फोर्स पकड़ के बच्चों को। आजम भाई, इसका इलेक्शन के ऊपर क्या इम्पैक्ट जाएगा? क्या जिला प्रशासन नहीं चाहता कि यहाँ पे निष्पक्ष रूप से इलेक्शन हो? भाई, एक हिंदुस्तानी के नाते हम ही ये सवाल आपसे किए लेते हैं, क्या ऐसे हालात में निष्पक्ष चुनाव संभव है? क्या इतने बुरे अधिकारियों के बीच निष्पक्ष चुनाव संभव है? और मैं तो ये समझता हूँ चुनाव ही न होने की कोशिश है कि किसी तरह रामपुर में ऐसे खूनी हालात पैदा कर दिए जाएं, ऐसे बुरे हालात पैदा कर दिए जाएं। आज भी अनडिक्लेयर्ड कर्फ्यू था, जिस दिन गेट गिराया है उस दिन भी अनडिक्लेयर्ड कर्फ्यू था,